हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। तो जनन की प्रक्रिया को हम समझेंगे कि एक जीव से दूसरे जीव के निर्माण को जनन कहा जाता है या प्रजनन कह सकते हैं। आपको पता है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर जीव प्रजनन करना बंद कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जीवन ही नहीं बचेगा। अब प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अब हम लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा के जननांग भाग लेते हैं और नर तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनते हैं, जो विकसित होकर नया जीव बनाता है। नर और मादा के युग्मक जैसे कि स्पर्म और ओवा, या हम कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जिससे कि युग्मनज बनते हैं और विकसित होकर नया जीव बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखेंगे इसके बाद जो निषेचन की प्रक्रिया है ये क्या होती है। देखिए, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, शुक्राणु नर से मुक्त होता है और अंडाणु मादा से, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो दोनों का संलयन, मतलब दोनों मिल जाते हैं। यह क्रिया निषेचन की क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब नर और मादा के युग्मनज का मिलना, या फिर हम कह सकते हैं युग्मक का मिलना, या फिर कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना, यह क्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके बाद युग्मनज बनता है। इसको हम एम्ब्रियो युग्मनज बनता है। ठीक है, अब निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन का अर्थ क्या है तो हम ऐसे समझेंगे कि इस प्रकार जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्ता और मनुष्य आदि हो गए। इनमें क्या होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया, वो मादा के शरीर के अगर अंदर होती है तो उसे हम कहेंगे आंतरिक निषेचन। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया, मछली हो गई, स्टारफिश हो गया। ये क्या होता है, ये नर और मादा अपने अपने युग्मक को शरीर के बाहर पानी में छोड़ देते हैं और पानी में तैरते हुए वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और युग्मक का संलयन हो जाता है और युग्मनज बन जाता है। ठीक, तो जब शरीर से बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर जब निषेचन की प्रक्रिया होती तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आगे देखते हैं हम, कुछ जीव जंतु सीधे सीधे शिशु को जन्म देते हैं तथा कुछ अंडे देते हैं। इसके आधार पर हम जंतुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला हुआ जरायुज। जरायुज का मतलब हुआ जो जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं उसे हम जरायुज कहते हैं। जैसे गाय, बकरी या मनुष्य आदि हो गए, उन्हें हम जरायुज कहेंगे। और दूसरे होते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक का मतलब क्या है, ये पहले अंडे को जन्म देते हैं, उसके बाद अंडे से शिशु का विकास होता है। जैसे कि मेंढक है, छिपकली है, मछली है, तो इनमें क्या होता है, ये पहले अंडे देते हैं और अंडों से ही शिशु बनते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, टैडपोल के विकास के लिए जल में आयोडीन होना चाहिए। टैडपोल मतलब मेंढक का बच्चा। जो मेंढक का बच्चा होता है वो तभी बड़ा होगा अगर जल में आयोडीन की मात्रा होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब भ्रूण का परिवर्धन, अब भ्रूण बड़ा कैसे होता है। देखिए, निषेचन के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं युग्मनज, और जो बाद में भ्रूण में विकसित हो जाता है। युग्मनज के बाद की जो कड़ी है वो है भ्रूण। भ्रूण में क्या होता है, लगातार कोशिकाओं के विभाजन के कारण युग्मनज एक गोले में बदल जाता है। मतलब एक गोल गोल, मतलब जो युग्मनज होता है उसमें कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, और कोशिकाओं का विभाजन होते होते युग्मनज एक गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण का लगातार विकास होता है, और जो मादा होती है उसके गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है, और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है। ठीक है, भ्रूण जब बड़ा हो जाता है जिसमें सभी शारीरिक भाग पहचाने जा सके तो उसे गर्भ कहते हैं। अब अलैंगिक जनन क्या है, मतलब जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं। नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, अकेले एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि अमीबा में, हाइड्रा में, और कुछ सूक्ष्मदर्शी जंतु जो होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। अब हाइड्रा में कैसे होता है, मैंने आपको बताया भी है कि हाइड्रा में उभार विकसित होता है, या बड कह सकते हैं, कली जैसी निकलती है, जैसे मुकुल कहते हैं, जो उभार होता है उसको मुकुल कहते हैं, और
मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है और जैसे ही विकसित हो जाता है पूरी तरह से वयस्क होता है टूट कर अलग हो जाता है। इसी प्रकार अमीबा में केंद्रक दो भागों में बट जाता है, बाद में दो अमीबा बन जाते हैं, इसको हम द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे कि अलैंगिक जनन भी जनन का एक प्रकार है जो कि अमीबा, हाइड्रा आदि कुछ जंतुओं में होता है। अब हम आगे देखेंगे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जो मादा होती है उनकी जो ओवीडक्ट या अंडवाहिनी होती है जहाँ से उनके जो अंडाणु निकल कर आते हैं वो कभी कभी अवरुद्ध हो जाती है, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है जिससे कि शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप नए जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डॉक्टर अंडाणु और शुक्राणु को कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं जिससे इन विट्रो निषेचन या IVF हो सके। निषेचन होने के पश्चात युग्मनज को एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, उसके पश्चात मादा के गर्भाशय में युग्मनज को डाल दिया जाता है जहाँ पूर्ण रूप से शिशु का विकास होता है। इसे ही परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कुछ दिक्कत आ जाती है अंडवाहिनी में तो डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवा को लेकर उसका निषेचन कराते हैं और एक हफ्ते तक उसको रखते हैं युग्मनज को, उसके बाद मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है उस युग्मनज को जहाँ पर शिशु का विकास होता है। इसे ही परखनली या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसको IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, भारत में पहला जन्मा टेस्ट ट्यूब बेबी था बेबी हर्षा, आप ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ बने रहें, थैंक यू।